डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है 14 फरवरी 2019 और ये है हमारा एपिसोड 207। अगर अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस को, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम करंट अफेयर्स के अलावा भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते हैं। मोटिवेशनल कोट से शुरुआत कर रही हूँ। ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ, मुश्किलें तो साज हैं जिंदगी का, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा और आखिर में जीतूंगा मैं ही ये ठान के चलता हूँ। ये हमें मुकेश चौधरी ने भेजा है और ये इस बारे में है कि अगर आप ठोकरे खाएं फिर उठें और आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं कल की क्विज पर। क्विज में आपसे पूछा गया था कि भारत ने किस अन्य देश के साथ समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए पहल की है, तो ये उत्तर है इसका नॉर्वे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस भाषा और इसकी लिपियों को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्णय लिया है मैथिली भाषा के लिए। ये दो क्वेश्चंस थे जो मैंने कल की क्विज में आपसे पूछे थे। जितने भी लोग जो वीडियो है उसको वो देखना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में, वो हमारी वेबसाइट, ओके ये रही वेबसाइट ssccgilpinnacle.com, इसको विजिट करें। वहाँ पर आप करंट के सेक्शन में जाइए और वहाँ पर इस तरह से आपको इंग्लिश मीडियम के वीडियोज पीडीएफ वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। यहां पूछा गया है किस देश ने उन सभी महिलाओं को आजीवन कर में छूट देने का फैसला किया है जिनके 4 या उससे ज्यादा बच्चे हैं, तो यहां पर उत्तर होगा हमारा हंगरी। आंसर इसका डी है। हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं विक्टर ओरबान, उन्होंने ये घोषणा की है कि जिन महिलाओं के भी 3 से अधिक बच्चे होंगे उनको आजीवन भर जो है अब टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए, उनको ये फाइनेंशियल मदद जो है, ये वित्तीय सहायता जो है इसलिए दी जा रही है, सब्सिडी के रूप में ये प्रदान की जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हंगरी जो है वहाँ पर जो जनसंख्या है वो घट रही है, अब जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर जो है हमारा डी है। इसी से मुझे याद आता है कि जापान भी एक ऐसा कंट्री है जो बहुत प्रोग्रेसिव होने के बाद भी वहां पर भी जो बुजुर्गों की संख्या है वो काफी ज्यादा है और उनकी जनसंख्या भी डिक्लाइनिंग की ओर जा रही है। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। आइए मैप में आपको दिखाती हूं हंगरी कहां है। यूरोप अगर देखेंगे तो ये छोटा सा देश है हंगरी, हंगरी इसका नाम है। तो यहाँ पर राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। यहाँ पर देखो आपको बुडापेस्ट नजर आ रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर हंगेरियन है। गवर्नमेंट जो है वो यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है और यहाँ पर प्रेसिडेंट है जैनोस आदेर। प्राइम मिनिस्टर का नाम विक्टोर ओरबान है। करेंसी का बड़ा ही यूनिक सा नाम है फॉरेंट, आप इसको याद रखेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इस देश का बहुत ही बढ़िया है। तो ये लोग आजीवन भर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा उन महिलाओं को जिनके 4 या 4 से अधिक बच्चे। के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, हमने जो 3 रुपए योजना आपके लिए लॉन्च की थी जिसके तहत अब हर कोई इंग्लिश सीखेगा, हर एग्जाम क्वालिफाई होगा, सबकी सरकारी नौकरी लगेगी, आज इसकी अंतिम तारीख है 14 फरवरी। इसके बाद इसका जो फर्स्ट फेज है उसमें हम एडमिशन्स जो है वो बंद कर रहे हैं। इसमें काफी तादाद में एडमिशन्स हुए हैं, तो आप में से अभी जितने भी लोग इसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं मैं बताना चाहूंगी कि आज इसकी अंतिम तारीख है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन जो है ये कौन से स्थान पर आयोजित किया गया। इसको आयोजित किया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। तो आंसर इसका क्या है, आंसर जो है वो इसका नई दिल्ली है। नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर हियर इज गोइंग टू बी डी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है उसने 13 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। आंसर हमारा डी। अगला प्रश्न, स्वच्छ शक्ति एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम है, आपको बताना है कि ये जो कार्यक्रम होता है इसका उद्देश्य किसे सशक्त करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या होगा, उत्तर हमारा होगा महिलाएं को सशक्त बनाने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होता है। इसके बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप सारे नोट करेंगे। सबसे पहला तो क्या है कि ये जो प्रोग्राम है, राष्ट्रीय आयोजन है, इसमें
देश भर की जो महिला पंच है, सरपंच है, वो भाग लेती हैं, ठीक है। साथ ही साथ इस बार वाला जो हुआ वो तीसरा संस्करण था, थर्ड एडिशन था। वो कहाँ पर आयोजित हुआ ये? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ। जितने भी लोग हरियाणा से संबंधित परीक्षाएं दे रहे हैं वो इस तरह के प्रश्नों पर जरूर फोकस करें। वहां पर ये ऑर्गेनाइज हुआ और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने पुरस्कार वगैरह बांटे। भारत का जो प्रमुख कैंसर संस्थान है इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, वो भी राष्ट्र को समर्पित किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी दौरे के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या है? आंसर जो है यहां पर महिलाएं हैं। इससे संबंधित एक तस्वीर देखते हैं। ये देखिए, आपको यहां पर नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, साथ में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी हैं। चलिए चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न, लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कन्या सुमंगला योजना नामक एक नई योजना हाल ही में कौन से राज्य द्वारा घोषित की गई है? प्रश्न 4, ये योजना जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित की है। इसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। इसमें जो लड़कियां हैं उनके स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा वगैरह पर फोकस किया जाएगा। इसी से मुझे याद आता है, आपको एक रिविजन क्वेश्चन करा देती हूँ कि अरुंधति योजना जो है वो कौन से राज्य ने स्टार्ट की? अरुंधति योजना जो है वो जिस राज्य ने स्टार्ट की उसका नाम है असम। उसमें एक तोला सोना दिया जाएगा उन सभी दुल्हनों को जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी जो है वो 5 लाख रुपए से कम है। ये हमारा प्रश्न 4 था। कन्या सुमंगला योजना कहां स्टार्ट की गई? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उन्होंने भी अपना बजट पेश किया था, उसके दौरान ये घोषणा की गई। मैप में देखिए कहां है उत्तर प्रदेश। ये जो बड़ा सा राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। इसके बारे में ये वाली जो जानकारी है मैंने आपको काफी बार दी है। राजधानी लखनऊ है, जिले यहां पर 75 हैं, गवर्नर राम नायक हैं, आदित्यनाथ जी यहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। चौथा सबसे बड़ा राज्य है साइज में। जनसंख्या की बात करूं तो नंबर 1 पोजीशन पर है। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31। दुदुआ नेशनल पार्क यहां पर लोकेटेड है और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहां पर लोकेटेड है। आपके परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है, तो आपको पता हो उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न 5, किस राज्य ने 13 से 15 वर्ष के बीच के बच्चों की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मिनी ओलंपिक खेल 2019 प्रस्तावित किए हैं? वो सभी बच्चे जो खेलों में अच्छे हैं, जिनकी उम्र 13 से 15 के बीच में है, उनकी पहचान की जाएगी, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना को कह रहे हैं मिनी ओलंपिक खेल 2019। तो ये किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है कर्नाटक ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर जो है ये कर्नाटक होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न 6, संजय सुब्रमण्यम को हाल ही में इजराइल के प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है। आपको बताना है कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ये जाने माने इतिहासकार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा आंसर जो है डी है। ये इतिहासकार हैं और इनको 10 फरवरी 2019 को ये इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारतीय इतिहासकार हैं संजय सुब्रमण्यम, इजराइल के प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। इन्होंने वृहत इतिहास में अपने काम के लिए अतीतकालीन आयाम श्रेणी में इनको ये अवार्ड मिला है और इस अवार्ड के तहत इनको 1 मिलियन $1 मिलियन जो हैं वो इनाम में दिए जाएंगे। मैं आपको तस्वीर दिखा देती हूँ इनकी। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न, 7वां वार्षिक विश्व सरकार शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया? ये हमारा प्रश्न 7 है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है UAE में। तो उत्तर क्या होगा इसका? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। सॉरी, आंसर यहां पर डी है। ऑर्गेनाइज किया गया है वहां पर और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन सरकारों के भविष्य को एक अच्छा रूप देने के लिए होता है और शिखर सम्मेलन में 140 देशों से करीबन 4000 लोगों ने इसमें भाग लिया। ये एक वैश्विक मंच है जो दुनिया भर में सरकारों के भविष्य को एक सही दिशा देने के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा UAE है। इससे संबंधित आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है और मैप में आपको दिखाती हूँ कहाँ है UAE। अगर ये देखिए, ये भारत
इमारत है। इस और अगर आप देखते हैं अरेबियन पेनिनसुला में, वहां पर यूएई लोकेटेड है। जो अरेबियन पेनिनसुला है वहां पर सबसे बड़ा कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट इन साइज जो है वो येमन है, यहीं पर लोकेटेड है आपका यूएई। कैपिटल यहां पर आबू धाबी। ओके, यहां पर प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नयन, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम, और करेंसी यूएई दिरहम है। आपको रिवीजन कराती हूं, हाल ही के एक वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर यूएई में जो कोर्ट्स हैं उन्होंने हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्ट किया है। हिंदी उनकी तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, इससे पहले अरबिक भाषा जो है और अंग्रेजी भाषा जो है वो ऑलरेडी उनकी कोर्ट लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी और ट्रिपल आईटी की नींव कर्नाटक राज्य में किस शहर में रखी गई है? ये हमारा प्रश्न 8 है, और ये जो नींव है ये रखी गई है धारवाड़ में। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, हाल ही में वो वहां दौरे पर गए थे कर्नाटक, वो नॉर्थ ईस्ट के भी 3 राज्यों के दौरे पर गए थे, और अब वो जो दक्षिण भारत है वहां के 3 राज्यों के दौरे पर है। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा धारवाड़। आईआईटी और ट्रिपल आईटी की नींव रखी गई है धारवाड़ में। ये प्रश्न 8 है। आज के वीडियो में 2 बार कर्नाटक का जिक्र हुआ है, तो चलिए मैप में देखते हैं कहां है कर्नाटक। दक्षिण भारत में हमारा ये राज्य है कर्नाटक। यहां पर सबसे बड़ा शहर, राजधानी बेंगलुरु है। गवर्नर वजूभाई वाला, चीफ मिनिस्टर HD कुमारस्वामी, लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। लोकसभा में इनकी 28 सीटें, राज्यसभा में 12। चंदन की लकड़ी के लिए जाना जाता है ये राज्य, तो यहां जो चंदन का पिसांडल वो ट्री है वो इनका स्टेट ट्री है। स्टेट फ्लावर कमल का फूल है, स्टेट एनिमल इंडियन एलिफेंट है, और स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये थी जानकारी कर्नाटक के बारे में। अब हम आ गए हैं प्रश्न 9 पर। प्रश्न 9 में पूछा गया है, लेट्स टॉक ऑन एयर कॉन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह है हमारा प्रश्न 9। प्रश्न 9 के लिए उत्तर क्या होगा? प्रश्न 9 के लिए उत्तर जो है हमारा वो है राकेश आनंद बख्शी। आंसर यहां पर ए होगा, राकेश आनंद बख्शी द्वारा लेट्स टॉक ऑन एयर कॉन्वर्सेशंस विद रेडियो प्रेजेंटर नाम की पुस्तक ये जो है लिखी गई है हाल ही में मुंबई में 13 फरवरी को ए विश्व वर्ल्ड रेडियो डे भी होता है। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है अगर ये प्रश्न आ जाए तो उत्तर है इसका 13 फरवरी। 13 फरवरी को यह मनाया जाता है। उस मौके पर ये जो पुस्तक है इसका अनावरण किया गया, और ये जो पुस्तक है इसमें 14 लोकप्रिय रेडियो जो प्रस्तुत करने वाले थे, रेडियो पर प्रस्तुत करता थे, उनके जीवन के बारे में ये पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर है हमारा राकेश आनंद बख्शी। अब इससे संबंधित आप तस्वीर देख सकते हैं, लेट्स टॉक ऑन एयर यहाँ ये पुस्तक है, और वर्ल्ड रेडियो डे कब होता है? ये होता है 13 फरवरी को। आगे चलते हैं, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि गिव इट अप जो है हमें इसका त्याग कर कि हमें किसका त्याग करने के लिए कहता है। गिव इट अप का मतलब होता है, गिव अप का मतलब ही होता है त्याग करना। तो ये जो ये एक एक्चुअली कैंपेन है, ये पूछ ये किसका त्याग करने का हमसे आग्रह करता है? तो आंसर है इसका LPG सब्सिडी का। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर जो है डी है। जो स्कीम्स वगैरह होती हैं सरकार के, कैंपेन्स वगैरह होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उन पर आप जरूर ध्यान दीजिए। तो ये देखिए, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में यह निकल कर आया कि करीबन 1.04 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में, ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इस गिव इट अप कैंपेन के तहत, इस अभियान के तहत अपनी LPG सब्सिडी को सरेंडर कर दिया है। ओके, क्योंकि यस, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आह्वान किया था लोगों से कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप में इतनी जो है कैपेबिलिटी है, तो आप अपना LPG में जो सब्सिडी दी जा रही है उसको सरेंडर कीजिए ताकि कोई गरीब व्यक्ति जो है उसको फायदा मिल सके। तो इतने सारे लोगों ने ये सब्सिडी जो है ये सरेंडर की। अब मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखाती हूं, ये देखिए, गिव इट अप, फील द जॉय ऑफ गिविंग। ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब मैं आपको ले आती हूं समरी कीवर्ड्स पर। लाइफ टैक्स एग्जेम्पशन, आजीवन कर में छूट किसको मिली? हंगरी में उन सभी महिलाओं को जिनके 4 या 4 से ज्यादा बच्चे होंगे। एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया हाउसेस, ये मीडिया यूनिट्स, ये कहां पर हुई? नई दिल्ली में। स्वच्छ शक्ति पुरस्कार, स्वच्छ शक्ति जो है ये एक अभियान है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, इसके पुरस्कार दिए गए हाल ही में कुरुक्षेत्र में। कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। मिनी ओलंपिक
ओलंपिक गेम्स 2019 कर्नाटक सरकार ने, संजय सुब्रमण्यम को इजराइल डैन डेविड प्राइज 2019 मिला, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट यूएई में ऑर्गेनाइज हुआ, आईआईटी ट्रिपल आईटी इसका अनावरण धारवाड़ कर्नाटक में हुआ, लेट्स टॉक ऑन एयर कॉन्वर्सेशंस विद रेडियो प्रेजेंटर्स इस पुस्तक को लिखने वाले हैं राकेश आनंद बख्शी, और गिव इट अप जो है ये कैंपेन है एलपीजी सब्सिडी को सरेंडर करने के लिए। ये थे हमारे समरी कीवर्ड्स। अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर। रोज सुबह 4 बजे ये जो वीडियो है आपके लिए हमारे चैनल्स पर अपलोड हो जाता है, इसलिए चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। संजय सुब्रमण्यम को हाल ही में इजराइल के प्रसिद्ध डैन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया, वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है आपको हमें ये बताना है, ओके। दूसरा प्रश्न ये था कि स्वच्छ शक्ति एक राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य किसे सशक्त बनाना है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही वीडियो आपको बढ़िया लगा, वीडियो को आप लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके जो फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको लगता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट हो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।